Hello dear students, today in this video lecture I will tell you about Addison's disease. So this is a disease which caused due to hyposecretion. This is caused due to hyposecretion, or you can say under activity of some hormones which are produced by adrenal cortex. So what happens in this disease we are going to discuss here. Due to the underactivity, which may be due to destruction of cells by disease like tuberculosis. Sometimes जब patient में tuberculosis हो जाता है किसी person में, तो वहाँ के जो cells होते हैं उनका destruction हो जाता है, cells का destruction हो जाएगा. उस condition में यहाँ पे underactivity हो जाती है, जो कि adrenal cortex के hormones हैं, वो proper release नहीं होंगे. और यहाँ पे जो सिम्टम्स होगा उस पर्सन में एडिसन डिजीज में, तो कुछ इस तरीके का होगा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये दो हार्मोन थे जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट हो रहे थे. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो लेवल है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ पे डेफिशियंट होने लगेंगे. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या आप ऐसा कह सकते हैं इनका लेवल काफी डाउन हो जाएगा. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इनका लेवल डाउन हो जाएगा. एंड डार्क ब्राउन कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, जो स्किन का कलर होगा, स्किन कलर जो होगा वो डार्क ब्राउन हो जाएगा. डार्क ब्राउन कह सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड प्रेशर विल बिकम लो. ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाएगा और सोडियम लेवल भी ब्लड में रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम का लेवल. और एंड द पर्सन विल फील वेरी टायर्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं कि वीकनेस होगी और रेजिस्टेंस काफी वीक हो जाएगा. और रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो इम्यूनिटी है, जो रेजिस्टेंस पावर है वो काफी लो हो जाएगी. रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इट विल डिक्रीज. तो दिस इज ड्यू टू द अंडर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स. This condition is called Addison's disease, students. So many times this question came in board exam. So this is all about the introductory part of Addison's disease, and I'm not going in too much detail as this video is for class 10th level students only. So if you want detailed lecture, I will discuss later on when I will post all the videos regarding the senior classes. So this is all about class 10th students, and stay tuned to my channel. My next video will be on Cushing syndrome, so stay tuned. And if you have not subscribed to my channel, students, please subscribe to my channel. Thank you.